गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल विद प्राणे। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस आज है ना संडे। आज संडे को तो पता है क्या होता है, राइड्स पे निकलना होता है। तो आज है ना, तो हम लोग का भी वही कुछ प्लान है कि आज राइड को जाएंगे। मतलब पिछले एक हफ्ते से प्लान बन रहा है कि संडे राइड करेंगे। तो आज वो दिन आ गया। आज मेरे लिए संडे है, लेकिन आपके लिए ये वीडियो जब भी आएगा तभी कुछ और दिन रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली यही वीक में आ जाएगा, लेकिन कुछ और दिन रहेगा आपके लिए। तो फिर सुबह के ना 6 बज रहे और अपने दोस्त एक आ रहा है अभिषेक। तो फिर फटक से अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं और निकलते हैं। GoPro का सेटअप भी कर लिया, पूरा चेक कर दिया, वॉइस वगैरह सब प्रॉपर से आ रहा है। फटाफट से निकलते हैं बिल्डिंग के नीचे जाके, बाइक भी वार्म करना है और निकलना है सीधा। हम लोग ना आज जा रहे हैं अलीबाग, क्योंकि अलीबाग क्यों सोचा, क्योंकि हम लोग लोनावला जाके ना थक गए। तो फिर आज सोचा कि अलीबाग जाके देखते हैं कि क्या होता है। मतलब एक ब्रेकफास्ट राइड के लिए ना अलीबाग जाके देखते हैं कि कैसे होता है। तो जो बिल्डिंग के नीचे आ गए और अपना बाइक भी वार्म अप हो गया है, और ये अपना दोस्त भी आ गया अभिषेक, ऑल द वे फ्रॉम गोरेगांव। कैसा है ब्रो? गुड मॉर्निंग। तो भाई अभी फटाफट से निकलते हैं, बाइक पे बैठे हैं। मतलब ना हम लोग को इतना एक्साइटमेंट है ना कि अभी वेट नहीं हो रहा है, जल्दी से फटक से निकलना है अभी। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अच्छे से जाएंगे, अच्छे से आएंगे, फुल एंजॉय करेंगे। भाई सो गाइस, अभी माटुंगा पहुँचे हम लोग। निकलने के बाद मैंने ज़्यादा कैमरा चालू नहीं किया, क्योंकि वही रोड्स बार बार क्या दिखाने के ना। सो गाइस अभी है ना 6:42 हो रहे हैं सुबह के, लेकिन हम लोग है ना जानबूझ के लेट निकलते, क्योंकि है ना वो जो डे लाइट आता है ना तो मज़ा आता है राइड करने के लिए। और आपको भी मतलब वीडियो में दिखना भी चाहिए ना सामने का क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि अभी मेरा GoPro जो है वो हीरो 5 है ब्लैक, तो उस हिसाब से तो वो इतना कैप्चर करेगा नहीं, इसलिए फिर थोड़ा ना हम लोग लेट निकलते हैं ताकि आप लोगों को भी ये व्यू अच्छे से दिखे। गाइस मस्त है ना, अभी ठंडा ठंडा लग रहा है सुबह सुबह, इसलिए मॉर्निंग राइड अपने को पसंद है। लेकिन थोड़ा जैसे ही टाइम जाएगा ना, फिर बाद में ऐसा रोस्ट होंगे ना भाई, डायरेक्ट तंदूरी। तो गाइस आज है ना अपन नए रूट से जा रहे हैं। तो ना हर बार मैं यही रूट दिखाता हूँ ना कि यहाँ से ब्रिज से ऊपर जाने का, आज स्ट्रेट जाएंगे और टूवर्ड्स घाट के ऊपर से जाएंगे हम लोग। ये जो रोड मैं आपको बताता था कि ये ऊपर से पनवेल जाता है, वाशी जाता है, और ये कल्याण वल्याण साइड जाता है ना, थाने वाने साइड, तो अभी वहाँ से घाट के ऊपर से जाएंगे टूवर्ड्स वाशी। ओ हो क्या धुआं छोड़ रहा है यार ये ट्रक। सो गाइस अभी यहाँ से राइट लेके हम लोग टूवर्ड्स जाएंगे वाशी। ये एक नया रूट है, नया नहीं है आप लोग के लिए, नया है लेकिन मतलब वीडियो में नया है, नहीं तो पुराना रूट है। सब होटल्स है लाइन में, ये जो लाइंस है ना बहुत संभाल के चलाना रहता है। अभी हम लोग के टायर्स थोड़े मोटे इसलिए ठीक है, लेकिन अगर कोई पतला टायर वाला रहेगा ना उसको बहुत एक्टिवा वाला वगैरह बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा। यहाँ से लेंगे लेफ्ट। अभी हम वाशी के ब्रिज पे है और सामने ऐसा सूर्य देवता सुपर दिख रहा है। वाओ, पनवेल स्ट्रेट, लोनावला स्ट्रेट, लेकिन आज हम लोग को लोनावला नहीं जाना है, आज हम लोग को जाना है अलीबाग। ओह भाई भाई, हिमालयन वाला मेरे को फ्लाई बाय देके जा रहा है। अरे यार बाद में पता चला ये अपना ही बंदा है। जबरदस्त लग रहा है ना यार सामने एकदम। ए व्यू देखने के लिए ना हम लोग सुबह जल्दी निकलते है। गोवा चले क्या? गोवा। ओहो साइक्लिस्ट, से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ, करेक्ट। भाई क्या है, सब राइडर्स, यही तो मजा रहता है संडे राइड्स का। होय, क्या मजा आ रहा है यार, क्या मस्त लगता है ना ऐसा जाने को, सुपर नया हिमालयन, सुपर लग रहा है, अच्छा लगता है। तो गाइस अभी हम लोग है ना ओल्ड पनवेल हाईवे पे है, क्योंकि हर बार है ना वो नए वाले ब्रिज से जाते हैं ना वो हाईवे से, तो आज सोचा कि थोड़ा पुराने वाले से जाएंगे सबू। वाह अंकल वाह। तो गाइस ये जो है ना ये पूरा पनवेल सिटी है नीचे ब्रिज के नीचे, ये जो पूरा है ना। ओ भाई भाई, तो गाइस अभी यहाँ से राइट लेना है टुवर्ड्स अलीबाग और सीधे जाएंगे तो लोनावला, अलीबाग और गोवा के लिए यहाँ से ओल्ड गोवा हाईवे। तो गाइस अभी 8:08 हो गए और अभी यहाँ पे हम लोग ने पनवेल क्रॉस की है, टुवर्ड्स अलीबाग निकल गए हम लोग। जोशी वड़े वाले भाई, ये जो इनका ब्रांच है ना ये बहुत डेंजर ब्रांच है, मतलब मेरे को इसका यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत गंदा है। वाओ सुपर लग रहा है यार, क्या ही सुंदर लग रहा है। गाइस देखो ना नारियल के झाड़ वगैरह, क्या सुंदर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना कैमरा बंद कर दूँ और सिर्फ ये एंजॉय करते रहूँ। लेकिन अभी अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो तुम लोग को भी एंजॉय करना चाहिए ना, इसलिए फिर दिखा रहा हूँ। देखो क्या ही सुंदर लग रहा है, घर बैठे एंजॉय करो ये सब। ये गाइस ऊपर जाली देख रहे हो, तो इनके लिए ये वो जाली, इनके लिए मंकीज। ये गाइस यहाँ पे ना बर्ड सेंचुरी है, ये करनाला बर्ड सेंचुरी, तो जो बंदर वंदर सब बाहर आते हैं ना उनके लिए वो जाली बनाया था, अगर क्रॉस वॉस करना रहेगा तो ऊपर से कर सकते हैं वो लोग। लेकिन अपने को लगता है कि भाई कैसा उनको क्या समझेगा, लेकिन बहुत समझता है उनको।
गाइस मैं ना सुबह से कुछ भी नहीं खा के निकला हूँ घर से, और अभी है ना 8:20 हो रहे सुबह के, क्योंकि हम लोग 6 बजे निकले। लेकिन जब भी बाइक पे रहता हूँ ना, तभी ऐसा कुछ भी फील नहीं होता कि भाई भूख लगा है या कुछ ऐसा, बस ऐसे लगता है ना चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ। क्या ये सुंदर लग रहा है ना ये पूरा व्यू, बहुत सुपर्ब लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं होटल श्री साई आमंत्रण में, और देखते हैं अभी भूख तो लगा है बहुत, तो थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट, मतलब थोड़ा हल्का हल्का सा भूख लगा है, ज्यादा नहीं लगता। तो गाइस हम लोग ने अभी ऑर्डर किया इडली और मेदू वड़ा, भाई टेस्ट के देखना सुपर्ब है ना, मजा आ रहा है खाने को भी। मैं तो ना नया नया होटल जो ना एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये साइड के, लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, मतलब जितने भी होटल्स में गए ना अभी हम लोग, बहुत सुपर टेस्ट लग रहा है, मतलब अच्छा क्वालिटी अच्छा है। सो गाइज डन विद द ब्रेकफास्ट, अभी फटाफट निकलते हैं, अभी डायरेक्ट गोवा रुकेंगे। नहीं नहीं गोवा नहीं, अलीबाग, गोवा भी जाएंगे एक दिन। यहाँ पे ना फूड अच्छा है, लेकिन हम लोग ने जो कॉफ़ी पिया ना वो एकदम ऐसा टेस्टलेस था, बहुत ठंडा था, मतलब हाँ गर्म भी नहीं था एकदम, मतलब ठंडा था, मज़ा ही नहीं आया कॉफ़ी पीने। तो गाइज ब्रेकफास्ट करके अभी अपन निकल गए अपने मंजिल की ओर अलीबाग। गाइज ये जो ऐसे ट्रक जाते हैं ना पत्थर भर के, इनसे कभी भी है ना दूर चलाने का, कभी भी है ना एक आध दूसरा पत्थर है ना गिर जाता है मालूम है। भाई आज संडे है ना, फिर भी ये रोड पे ज़्यादा राइडर्स दिख नहीं रहे, मतलब बहुत कम कम, मतलब ना के बराबर राइडर्स दिख रहे। यही अगर हम लोनावला साइड जाते थे ना भाई, बहुत सारे राइडर्स मिलते बहुत। गाइस तो अभी है ना हम लोग पेन सिटी में आ गए, ये पूरा पेन का सिटी है, मतलब ये जगह का नाम पेन है। ये जब भी रोड बनेगा ना तभी बहुत मज़ा आएगा गाँव जाने के लिए सिंधुदुर्ग में। यहाँ से लेफ्ट लेके अलीबाग मुरूड। गाइस इंटरकॉम का है ना यही एक फ़ायदा रहता है, अगर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं और दो राइडर्स हैं ना, तो पीछे वाले को बता सकते हैं कि भाई तू आ या तो फिर मत आ। बहुत मस्त मज़ा आता है इंटरकॉम लेके, अगर कोई भी वो सब हेडफोन्स ईयरफोन्स वगैरह पहनता रहेगा ना तो गाइस थोड़ा इन्वेस्ट करो और एक इंटरकॉम ले लो, बहुत सस्ते में भी मिलता है। जो V6 आता है वो कुछ 3,500 का भी आता है। तो गाइस अगर 2,000-1,500 आप ईयरफोन्स पे डाल रहे हो तो राइडिंग के टाइम पे इंटरकॉम पे इन्वेस्ट कर देना। गाइस क्या है नज़ारा है ना ये वाला, दोनों तरफ से ऐसा मस्त झाड़ वाड़ और बीच में रोड, कितना मज़ा आ रहा है। अलीबाग और 10 किलोमीटर दिखा रहा है अभी, यहाँ पे था मुरूड मुरूड काशीद अलीबाग, सब बीच स्ट्रेट है। यस एंड द घाट बिगिंस, ओए होए 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 क्या व्यू आ रहा है, और ऊपर से तो और अच्छा आएगा। तो गाइस यहाँ से राइट लेना है टूवर्ड्स नागाव, यहाँ पे लिखा है रोहा स्ट्रेट जाने के लिए अक्षी रेवदंडा नागाव मुरूड। पहुँच गए अलीबाग, अभी बस नागाव बीच पे जा रहे हैं, क्योंकि वही मेरे को एक बीच है ना अच्छा लगता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यहाँ से राइट लेके टूवर्ड्स नागाव, बहुत नज़दीक आ चुके हम लोग बीच के। क्या ही सुंदर लग रहा है ना ये, दोनों साइड नारियल के झाड़, नागाव ची वाड़ी, क्या मस्त लग रहा है यार। साहिल बीच रिसोर्ट, अरे मेरा बीच पहले से है यहाँ पे। शिट गाइस अभी आ गए हम लोग नागाव बीच, और बाइक यहाँ पे पार्क किया, यहाँ से राइट लेफ्ट लेके जाना है, और ये रहा सामने बीच, तो फटाफट से जाते हैं वहाँ से। तो गाइस अभी यहाँ पे तो आए हम लोग, लेकिन बाइक लेके जाने का वो मन नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतनी रेत है ना तो वो खाली पकड़ बाइक के रेडिएटर में अगर रेत चली गई ना तो थोड़ा डर लग रहा है। नहीं हो रहा, बोल रहा इसको कि जाके लेके नहीं रे भाई, अच्छा नहीं डर लग रहा है। रील भी अरे फोटो एक फोटो के लिए इतना रेत नहीं डाल सकता ना अंदर, लद्दाख मत जाइए, लद्दाख नहीं जाएगा भाई, उधर रेत नहीं रहती, उधर मिट्टी रहती है और कीचड़ रहता है, पत्थर मिट्टी कितना रहता है ना यार। इधर क्या लेके जाएगा यार अंदर, इतना लंबा है फोटो भी। हाँ फोटो के लिए ठीक है, फोटो हम लोग यहाँ पे बाइक रख के एक फोटो निकाल सकते हैं, लेकिन यार भाई ज्यादा अंदर नहीं ले जा सकते। तो गाइस अभी है ना ये फैमिली है ये वाला जा रहे हैं ना, वो लोग है ना अपने चैनल के बारे में पूछ रहे थे, मतलब यही बेनिफिट रहता है अगर स्टिकर चिपका देंगे ना हम लोग बाइक पे, क्योंकि मैं अगर वर्बली उनको बोलता तो उनको नहीं समझता, तभी उन्होंने देखा सर्च किया और सब्सक्राइब भी कर दिया, अच्छा लगा। अभी है ना हम लोग ये बीच से तो निकले, फिर जाते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे फोटो वीडियो खींचने के लिए, अगर रील भी बनाने का रहता तो भी सनसेट चाहिए शाम के टाइम को, और इतना हम लोग के पास टाइम नहीं है रुकने के लिए। तो गाइस अभी है ना हम लोग ये होटल में रुके हैं अनिशा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, बाइक से यहाँ पे लगा है, काफी सुंदर होटल है। लेकिन अभी है ना हम लोग यहाँ पे कुछ खाना वाना नहीं खाएंगे, बस यहाँ पे सिर्फ कोल्ड कॉफी पीने आए हम लोग, आगे कुछ खाना वाना नहीं। तो गाइस अभी हम लोग बैठे हैं, हम लोग ने कोल्ड कॉफी मंगाया था, कोल्ड कॉफी तो है नहीं हम लोग के नसीब में, अभी वो नॉर्मल कॉफी मंगाया, मतलब इतने धूप में भी हम लोग गर्म कॉफी पी रहे हैं, हैट्स ऑफ टू अस। तो वहाँ पे अपने बाइक्स खड़े हैं आप देख सकते हो, अभी देखते हैं कैसे क्या होता है वो। और ये भाई ये बंदा बोल रहा है कि आगे जाके फिर से हम लोग कोल्ड कॉफी पियेंगे, मतलब खाना नहीं खाएंगे कॉफी पियेंगे, खाना बाद में। तो लो जी अपनी कॉफी भी आ गई है, फटाफट पीते और निकलते हैं यहाँ से। लेकिन भाई खाना भी खाना है, लेकिन होटल हम लोगों को ना अच्छा लग रहा है, तो सोच रहे हैं यहाँ पे ही सो जाओ हम लोग, क्या बोल रहे भाई।
नींद आ रही, सो जाए ना यहाँ पे। तीन भी आई नहीं, तीन बजे से जगे हुए हैं। तो भाई हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे सो जाए, एक दो बजे उठे, खाना खाए और यहाँ से घर पे निकल जाएंगे। आई कर सकते अभी और गलत टाइम पे आए हम लोग। शाम को आते तो सनसेट वगैरह मिलता था बीच पे। अभी क्या है, राइड कर रहा था, संडे राइड है ना तो चलता है, चल कुछ भी चलता है। एक ही दिन मिलता है तो एक दिन में सह लेंगे थोड़ा, बहुत गर्मी है। ठीक है चलता है। तो गाइस अभी हम लोग ने ना ये सोचा कि यहाँ पे बैठेंगे, खाना वाना खा के ही जाएंगे, क्योंकि अभी कहीं और जाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे बीचेस ही है, तो बीचेस में ये टाइम पे जाके क्या ही करें ना हम लोग। तो उससे अच्छा अपना ये जो बाइक्स है वो लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं और अच्छा सा फोटो शूट निकालेंगे। क्या ही प्लेस है ना, ये सुपर प्लेस है ये। अगर किसको स्टे वे करना रहेगा ना, यहाँ पे मस्त जगह है ये। देखो ना कितना यहाँ पे चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है और वहाँ पे स्टे है ऊपर वगैरह, मस्त है सब। और यहाँ पे इनका खुद का वो खाना वाना बनाते हैं यहाँ पे खाने के लिए, सुपर है। अभी थोड़ा रील वील बनाते हैं, फोटो वीटो खींचते हैं, तो जरूर से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, आईडी नीचे आई रही है, तो प्लीज फॉलो भी कर देना वहाँ पे। गाइस अपना खाना आ गया, पनीर भुर्जी और रोटी, और इस भाई ने चालू भी कर दिया। तो भैया ना फटाफट खाते हैं, हम लोग को बहुत भूख लगा है और अभी इतना नींद आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है खाना खा के यहीं पे सो जाए। लेकिन फिर अभी सोचा कि और 2 घंटा चलाने का बाइक टेंशन है, अभी देखते कैसे क्या होता है। तो गाइस अभी अपना लंच भी हो गया है, अभी निकले प्यारे से होटल को, बाय बाय करेंगे। रेडी हो चुके हैं अभी हम लोग, बस निकलने की देर है। और ये होटल सुपर है, अनिशा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट। तो गाइस अभी यहाँ से निकल पड़े, अभी सीधा टुवर्ड्स मुंबई। टाइम टू से टाटा बाय बाय टू नागांव। तो सूखा मच्छी भी बहुत है यहाँ पे, क्या ही सुपर रिवर है ये, क्या ही स्लोप है यार, ऐसा एकदम नीचे जा रहा है और ऊपर देखो सुपर लग रहा है यार। हेलो जी, सामने आ गया हाईवे और यहाँ से लेफ्ट लेके टुवर्ड्स मुंबई। यार ये ट्रक वालों ने एक नाक में दम करके रखा है यार। शिट शिट, व्हाट अ रोड, वाओ, ओह शिट, आई है वो भाई, क्या रोड है यार। हाँ ना, अभी जस्ट बोला था कि हाईवे टच हो गया और ये देखो हाईवे फुल धूल मिट्टी सब है यार। भाई अभी है ना हम लोग को ना कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, लेकिन ये रोड पे जितने भी होटल है ना किसी के पास भी कोल्ड कॉफ़ी नहीं है। एक को अभी पूछा ना, अभी एक होटल में पूछा कोल्ड कॉफ़ी है क्या, तो बोलते ओल्ड मॉन्क। बोला अरे भाई कोल्ड कॉफ़ी उधर, नहीं नहीं कोल्ड कॉफ़ी नहीं है। अभी क्या बोलेगा यार इन लोगों। गाइस अभी है ना ये पीछे था और जैसे ही कैमरा चालू किया ना ये बंदा फटाक से आ गया है। भाई मेरे को बोलता है फ्लाई बाय दूँ क्या, फ्लाई बाय भाई हिमालयन पे फ्लाई बाय, अरे फ्लाई हो जाएगा और तेरे को बाय करना पड़ेगा, मेरे को फ्लाई बाय कर रहे हैं वो हिमालयन पे। वी नीड कोल्ड कॉफ़ी बैडली, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मेरे को लग रहा है ना हाईवे किंग रेस्टोरेंट में जरूर मिलेगा कोल्ड कॉफ़ी, मिलना चाहिए रे हाईवे किंग रेस्टोरेंट में कोल्ड कॉफ़ी। देखते पूछते कोल्ड कॉफ़ी मिलना था, कोल्ड कॉफ़ी है क्या, है ना देख गढ़ फते किलर का होटल है वाला। सो गाइस और एक ब्रेक ले लिया है, ये हाईवे किंग होटल है करनाला में। तो एक शॉर्ट ब्रेक कोल्ड कॉफ़ी का, क्योंकि कब से पीने का था हम लोग को, बहुत प्यास लगी थी कोल्ड कॉफ़ी की। अभी नो ब्रेक, इसके बाद अभी डायरेक्ट घर पे। से पिछले टाइम भी बोला था लेकिन अभी देखते हैं, हंस रहे हैं बस। क्या मस्त लग रहा है ना वो करनाला का, ऊपर बर्ड सेंचुरी है वो, करनाला बर्ड सेंचुरी। ये क्या झाड़ है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन सा झाड़ है जिसको एक भी पत्ता नहीं है या फिर सूख गए। तो गाइस अभी फ्यूल ब्रेक लिया है यहाँ पे, अभी चेंबूर में पहुँचा हूँ। गोप्रो की बैटरी तो बहुत डेड हो गई थी तो फिर गोप्रो स्टार्ट नहीं किया, फिर बाद में अभी चेंबूर में पहुँचा हूँ, फ्यूल भरा रहा हूँ। लेकिन अभी ये लोग बोल रहे हैं कि और 15 से 20 मिनट जाएगा फ्यूल भरने के लिए, क्योंकि वो उधर अंडरग्राउंड भर रहे ना वो फ्यूल, उसके वजह से। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, फटाफट से भरते और निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी यहाँ से भी निकले, फ्यूल पूरा भर दिया, फुल कर दिया टैंक। सो दोस्तों ऑलमोस्ट पहुंच गए घर पे, बस 2 मिनट और। तो गाइस वी आर बैक होम और इतना खतरनाक नींद आ रहा है ना अभी, बहुत नींद आ रहा है, बहुत मजा आया आज। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट लाइक बटन, शेयर करना वीडियो और कमेंट करना वीडियो आपको कैसे लगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चीयर्स।